हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टेंसर कैलकुलस पर बेस्ड एक टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में हम सीखने जानेंगे। इस वीडियो में आपको कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, एग्जांपल डिटेल में लेके समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब जो प्रोसेस होता है ना, किसी टेंशन के रैंक को कम करना का जो मेथड होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वही मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस ऑफ अ रैंक ऑफ अ टेंसर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। और थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में लिखे, इफ वी सेट इन अ टेंसर वन कोवेरिएंट एंड वन कॉन्ट्रावेरिएंट, ऊपर में और नीचे में जो सफिक्स होते हैं रियल सफिक्स, अगर उसको इक्वल कर दें ऊपर से किसी एक को, नीचे से किसी एक को, तो क्या होगा? हमारा जो रैंक होगा टेंसर का वो कम हो जाता है, ऊपर से भी कम नीचे से भी कम, तो उतनी रैंक कम हो जाती है। और फिर जो नया टेंसर आता है उसका रैंक उतना माइनस हो जाता है। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैंने एक टेंसर लिया है ए पी क्यू आर एस टी, एक टेंसर है। अब इसको मैं जो हमारी लॉ है टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उससे खोलूंगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी रैंक कम हो जाएगी। अभी इसकी रैंक कितनी है? एक दो तीन चार पाँच है, इसकी रैंक पाँच है। और जब मैं एक किसी एक कटम में करूँगा ना तो उसकी रैंक तीन हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे होगा। ये टेंसर है, इसको नए कोऑर्डिनेट पे हम चेंज कर रहे हैं तो ए डैश पी क्यू आर एस टी हो जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग में जो चेंजेस आएंगे को कॉन्स्टेंट वाले टर्म में, तो ए पी के लिए ए, क्यू के लिए बी, आर के लिए सी, एस के लिए डी और टी के लिए एल आ जाएगा। अब चेंज कैसे करते हैं? यहाँ पर जो ऊपर होता है वो ऊपर ही रहता है और जो नीचे होता है वो नीचे ही रहता है, और यहाँ जो नीचे होता है वो ऊपर और जो ऊपर होता है वो नीचे होता है। सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा डेल एक्स डैश, ये पी ऊपर है तो पी ऊपर, पी के करस्पॉन्डिंग क्या है ए, तो ए नीचे। फिर डेल एक्स डैश क्यू ऊपर है तो ऊपर, और क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है बी, तो बी नीचे। अब ये नीचे है तो ये ओ नीचे ही रहेगा और ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा इस टर्म को। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि ये जो P है मेरे पास और ये जो T है मेरे पास उसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, मतलब P की जगह पर मैं D रख दे रहा हूँ या T की जगह पर P रख दूँ। बात एक है, मैंने T की जगह पर P रख दिया तो यहाँ तो P ऑलरेडी है, जो यहाँ T था उसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया? P कर दिया, और बाकी टर्म को मैंने ढंग से लिख दिया, इसको इसको साथ में रखा और इसको इसको साथ में रखा, ये अलग बचा। ठीक, ऐसा क्यों है? ताकि सेम सेम टर्म कट जाए, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स ए। यहाँ पर डैश वाला कोई टर्म नहीं है, जब डैश वाला कोई टर्म नहीं है तो यहाँ लग जाएगा क्रोनिकल डेल्टा वाला प्रॉपर्टी, क्रोनिकल डेल्टा एल ए आ जाएगा, एल ए, और बाकी ये तीन टर्म। देखिए यहाँ ए है और यहाँ पर भी ए है। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ए, और बाकी जो तीन टर्म हमारे बचे हुए थे एक दो तीन, एक दो तीन आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म कितने हैं? एक दो तीन, तो क्लियरली इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? तीन। कैसे? देखिए जब हमारे पास पाँच था, एक दो तीन चार पाँच, तो ये हमारे पास पाँच थे तब उसकी रैंक पाँच थी, और अब यहाँ पर पास तीन बचा है कॉन्ट्रैक्शन के पास, तो क्लियरली इसकी रैंक कितनी होगी? तीन होगी। कहने का मतलब जितने आप वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग आप कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे उतना आपका माइनस हो जाएगा। हमने पी और टी को इक्वल रखा था तो पाँच थी, दो को किया हमने तो दो माइनस होकर तीन आ गया। और जो डिडक्शन की बात कहें या फिर जो नोट मान लो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर ऑफ टाइप आर एस बिकम्स टेंसर ऑफ द टाइप आर माइनस वन एस माइनस वन। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें।